Hello students, today we are going to start class 9, first chapter, The First They Had by Isaac Asimov. Isaac Asimov was an American professor and writer. और उनके ऑलमोस्ट जो वर्क होते हैं वो साइंस से रिलेटेड होते हैं, साइंस फिक्शन से रिलेटेड होते हैं, साइफाई। और ये चैप्टर भी हमारा जो साइंस पे ही बेस्ड है, ये चैप्टर हमारा स्टोरी फ्यूचर। दिस स्टोरी सेट इन फ्यूचर व्हेन स्कूल्स एंड बुक्स आर विल नॉट एग्जिस्ट लाइक टुडे। टू स्टूडेंट्स फाउंड अ रियल बुक, दोज हैव ग्रेट फन, दोज आर नॉट प्रिंटेड बुक्स लाइक देयर स्कूल्स एंड दे कंपेयर दोज स्कूल्स एंड बुक्स विद देयर ऑन टीचर्स बिकॉज दे हैव मैकेनिकल टीचर्स। सो दे ऑल्सो थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैड ग्रेट फन बिकॉज एंड देयर स्कूल्स आर डल एंड बोरिंग। अब हम इस चैप्टर की स्टोरी के ऊपर आते हैं। इस चैप्टर की स्टोरी को मैंने सिक्स पैसेज में कन्वर्ट किया है। सिक्स पैसेज के थ्रू हम इसकी स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चैप्टर अभी आपको बताया था कि स्कूल्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे कैसे स्कूल्स होंगे उनको डिस्क्राइब करता है। तो फ्यूचर के अंदर देखो, अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि हम ई पे पे फोन पे ऑनलाइन टैबलेट इन पे स्टडी करते हैं। तो आफ्टर 150 years 60 years के बाद तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। उस टाइम पे जो सारा वर्क होगा वो कैसा होगा, सारा मैकेनिकल होगा, सारा मशीनों से होगा। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है, आप इसके फर्स्ट पेज पे देखिएगा, एक बच्ची बैठी हुई है और वो जिन जिन इंस्ट्रूमेंट से पढ़ रही है सारे हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम भी करवाएंगे, जो वर्चुअल क्लासरूम होंगे, यानी हमारी तरह के क्लासरूम नहीं होंगे, ऐसे क्लासरूम होंगे जो मूविंग करेंगे। ऐसे नहीं होंगे कि हमारे पे बिल्कुल स्टोर है, वहाँ पे बच्चे साइलेंट बैठे हैं, टीचर स्टडी करवा रही है। इसके अलावा जो टीचर्स होंगे वो भी रोबोटिक टीचर्स होंगे, नॉट लाइक मैन, हमारी तरह ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे। एंड ई टेक्स्ट बुक, और जो बुक्स होंगी वो भी मूविंग करेगी, यानी ऐसी बुक्स नहीं होगी जो प्रिंटेड होगी। जैसे हम एक बुक पे स्टडी करते हैं, वो आफ्टर आप कितने भी टाइम बाद आप उसको देखोगे तो उसमें वर्ड आपको वहीं के वहीं नजर आएंगे, लेकिन इनकी बुक्स कैसी होंगी, जो मूविंग करेगी, जो डाटा उसमें सेव किया जाएगा, उसमें पंच आउट की जाएगी और उसके हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेगा। अब हम इस चैप्टर की स्टोरी पे आते हैं। इस चैप्टर में दो स्टूडेंट्स हैं, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old। ये स्टोरी है 2157 की। जो मार्गी एक डायरी के अंदर ऊपर डेट लिखती है और डेट के साथ ही वो ये मेंशन करती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसको बहुत सरप्राइजिंग होता है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक मीन्स प्रिंटेड बुक, बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर। उनके पास ये बुक से वो स्टडी नहीं करते, वो कंप्यूटर से स्टडी करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि उनको एक रियल बुक मिली। मार्गी को जस्ट देन तभी याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बार इस प्रिंटेड बुक के बारे में बताया था, और ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने बताया था। तो मीन्स ये जो स्टोरी है इस प्रिंटेड बुक से काफ़ी पुरानी है। उसके बाद उसको याद, वो जब उस बुक्स को ओपन करते हैं वो दोनों बच्चे, तो बुक्स के पेजेस कैसे होते हैं, येलो एंड क्रिंकली। और इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं उसमें वो मूविंग नहीं करते, स्टूड स्टिल, बिल्कुल शांत, एकदम वहीं की वहीं रहती हैं। तो वो दोनों बच्चे उन सब चीज़ों को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उनके टाइम में ये सब नहीं है, ये बहुत पास्ट की चीज़ें हैं। हमारे चैप्टर का नाम भी देखो, द फन दे है, यानी वो फन जो पास्ट में था। इसके बाद वो बच्चे, जब दोनों बच्चे उस बुक को देख रहे होते हैं, तो टॉमी जस्ट क्या कहता है, इट वाज जस्ट वेस्ट। वो कहते हैं ये तो वेस्ट है, इस तरीके से बुक को पढ़ना कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर हम ऐसे बुक को स्टडी करेंगे तो उसको तो वो चीज़ें वेस्ट लगती है। बट जो मार्गी होती है उसको इंटरेस्ट आता है। वो बोलती है, जो मार्गी कहती है कि हमारी जो बुक्स है वो तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होती है, और ये देखो बुक्स है। तो वो जब न्यू चीज़ को देखते हैं तो दोनों बच्चे बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही हैप्पी भी होते हैं। उसके बाद वो मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी कहते हैं मुझे एटिक से बुक मिली। एटिक होता है कि स्टोर रूम। वो कहते हैं मुझे, मैंने वहाँ पे जब ढूंढा तो मुझे ये बुक मिली। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मार्गी जो होती है, मार्गी उसको कहती है मुझे और बताओ बुक के बारे में, क्योंकि जो टॉमी होता है वो 13 ईयर्स का होता है, मार्गी 11 ईयर की होती है। टॉमी अपने आप को उससे सुपीरियर शो करता है, तो वो उसको बताता है बुक्स के बारे में कि हाँ इस बुक में क्या लिखा हुआ है। वो कहता है ये बुक किसके बारे में है, ये बुक तो स्कूल के बारे में है। वो कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखेगा, क्योंकि उसको स्कूल से हेट होती है, वो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। तो वो कहती है स्कूल के बारे में भी कुछ लिखने के लिए है क्या, स्कूल के बारे में कौन लिखेगा। वो बोलती है कि जो उसके, उसको स्कूल से हेट इसलिए होती है क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसको टेस्ट ही टेस्ट देते रहते हैं, ज्योग्राफी टेस्ट। और उसका ज्योग्राफी जो सेक्शन था उसका, मार्गी का, वो बहुत ही लो था।
जो प्रॉफिट सेक्शन में उसके जो मार्क्स थे वो वर्स एंड वर्स, वो बेकार से बेकार मार्क्स आ रहे थे, इसलिए उसको मैकेनिकल टीचर से इस तरह से स्टडी करना उसको पसंद नहीं था। उसकी परफॉर्मेंस बेकार हो रही थी। फिर उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर का नाम है मिसेस जॉन्स। तो उसकी मदर किसको बुलाती है, जो जॉन्स होती है वो बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को। अब काउंटी इंस्पेक्टर कोई इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पे, काउंटी इंस्पेक्टर एक रेड फेस है उसका और एक राउंड फिगर है, एक गोल सा आदमी है, उसका रेड फेस है। वो एक मैकेनिकल जो उसका टीचर होता है यानी जो उसका कंप्यूटर होता है उसको ठीक करने के लिए आया है। जब वो उसको देखता है, उस मैकेनिकल टीचर यानी उसके कंप्यूटर को जब देखता है, तो वो उसको उसको देख के उसकी मदर को कहते हैं कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है कि मार्गी की ज्योग्राफी सेक्शन में मार्क्स दो आ रहे हैं। एक्चुअल में जो ये कंप्यूटर स्क्रीन है इसको बहुत फास्ट कर दिया गया है और इसका जो गेयर है वो इतना फास्ट है कि वो एक 10 ईयर की लड़की के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए वो उसको स्लो कर देता है कि ताकि वो मार्गी उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर सके। लेकिन मार्गी को तो फिर भी स्कूल अच्छा नहीं लगता। मार्गी सोचती है कि काश ये काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को यहाँ से ले जाए, क्योंकि एक बार क्या होता है कि टॉमी काफ़ी ऐसी मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो हिस्ट्री सेक्शन होता है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, और जब काउंटी इंस्पेक्टर उसको लेके जाता है तो उसको उसको सेट करने में, उसको ठीक करने में 1 महीना लग जाता है। तो वो सोचती है कि मेरा भी ये यहाँ से चला जाए, कम से कम मुझे 1 महीने तक तो स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो आफ्टर 1 आवर ही उसको लेके आ जाता है ठीक करके। फिर मार्गी को सैडनेस होती है कि फिर मुझे इस ब्लैक मॉन्स्टर यानी इस जो ये स्क्रीन है इसके ऊपर फिर स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन वो इंटरेस्टेड होती है पुरानी बुक्स के बारे में, तो टॉमी से कहती है मुझे और बताओ ना पुराने स्कूल्स के बारे में। तो फिर टॉमी उसको बताता है कि 100 ईयर है वो, सैकड़ों वर्षों पहले क्या कहती, ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल्स, सैकड़ों वर्षों पहले पुराने टाइप के स्कूल्स थे। पुराने टाइप के स्कूल्स कैसे थे, दे वर सिचुएटेड इन स्पेशल बिल्डिंग, वो स्पेशल बिल्डिंग में सिचुएटेड होते थे और वहाँ पर ऑल किड्स वेंट देयर टू लर्न एंड लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे वहाँ सीखने के लिए जाते थे और सेम थिंग्स को सीखते थे। लेकिन वो फिर मार्गी फिर उससे आर्गुमेंट करती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक इंसान एक जो मतलब इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो इतने सारे बच्चों को स्टडी करवा सके, मेरे मैकेनिकल टीचर से स्मार्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। तो फिर टॉमी कहता है ऐसा नहीं है, जो मेरे पापा हैं वो भी इस मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन फिर वो मार्गी से आर्गुमेंट नहीं करती क्योंकि आफ्टर ऑल टॉमी उससे बड़ा था। इस तरीके से वो बच्चे दोनों आपस में पुराने स्कूल के बारे में बात करते हैं। टॉमी उसको बताता है कि वहाँ पर क्या होता था, पुराने स्कूल में जो मैन होते थे वही बच्चों को सिखाते थे, उनको पढ़ाते थे और उस स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा फन होता था, बहुत ज़्यादा इंजॉय होता था। जस्ट देन उसकी जो मार्गी की जो मदर होती है, मार्गी की मदर उसको बुलाती है टू अटेंड द स्कूल अटेंड करने के लिए। और मार्गी का स्कूल कहाँ होता है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका बेडरूम होता है उसका जो नेक्स्ट रूम होता है वही उसका स्कूल होता है। एंड ऑलवेज हर मैकेनिकल टीचर प्लस ऑन द स्क्रीन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो सैटरडे और संडे के अलावा अपने फिक्स टाइम पर आते थे और डेली उसका स्टडी करते थे। देखो उस टाइम में स्टडी थी वो कैसी होगी, उस टाइम जो हमारे टीचर की है उसमें एक स्पेशल जो स्लॉट्स होते हैं सभी में पंचिंग करने के लिए, उसमें आपको अपना होमवर्क इंसर्ट करना है, वो आप पे चेक हो जाता है, असाइनमेंट है जो भी कोई भी आपका वर्क है वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी का हिस्ट्री का, उसमें आपको होमवर्क इंसर्ट करना और वो जस्ट चेक हो जाता है और जस्ट आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो इस वजह से वो मार्गी सोचती है कि इसमें तो कोई इंजॉय ही नहीं है क्योंकि ये तो जस्ट देट हो जाता है और जो ओल्ड टाइम के स्कूल से उसमें तो कितना फन था। यहाँ पे हमारी जो चैप्टर स्टोरी है एंड हो जाती है, मार्गी अपने रूम में आ जाती है स्टडी करने के लिए, लेकिन अभी भी उसके माइंड में पुराने टाइम के स्कूल से चल रहे थे। थैंक यू।